नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं अपना कार्य जिसमें हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के विभिन्न रूप। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये जिसे हम शुरू करते हैं। चैप्टर है ये आपका 4th चैप्टर, 4th, और ये आपका उसका क्या है, एक पोर्शन, और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वतंत्रता के विभिन्न रूप। जब हमने स्वतंत्रता का पोर्शन शुरू किया था तो उस समय हमने कुछ डिस्कस किया था, स्वतंत्रता क्या है। तो हमने कहा था कि स्वतंत्रता पता नहीं क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि स्वतंत्रता हर चीज़ में ज़रूरी थी। अब वो कहाँ से जनरेट होती है इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने कहा कि किसी को मम्मी की डांट से स्वतंत्रता चाहिए, किसी को खेल कूद के लिए स्वतंत्रता चाहिए, किसी को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए स्वतंत्रता चाहिए, किसी को नहीं पढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। तो सभी की मांगें क्या थी, अलग अलग। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो स्वतंत्रता का जो प्रारूप है उसे क्या कर दिया गया है, उसको फैक्टर्स में बांट दिया गया है। तो आपकी इसी कड़ी में सबसे पहली स्वतंत्रता आती है जिसे हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखिए, प्राकृतिक नाम आया, यानी कि वो स्वतंत्रता जो हमें किससे प्रदान की गई है, प्रकृति ने प्रदान की गई है, जिसे जन्म के समय से ही हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। देखिए, हंसना, रोना, श्वास लेना, श्वसन आपका, उसके बाद में आपका जस्ट लाइक भोजन करना, पानी, यानी कि आपकी वो सारी आवश्यकताएं जो प्रकृति के द्वारा पूरी कर की जाती हो, या प्रकृति के द्वारा वो क्या होती हो, जनरेट होती हो, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगी, वो सारी स्वतंत्रताएं किसको डिपेंड करती हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर, जिन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता है, या उनके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। ऐसी कुछ एक चीज़ें होती हैं। देखिए, मान लीजिए शेर का शिकार करना, ठीक है, या उसका मांसाहारी होना, ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये कैसी हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रताएं, इनको अपन वहां से ले सकते हैं। अब देखिए, ये कब बाधित होती है, जब राज्य नहीं था, राज्य के न होने पर भी ये होती हैं। और जैसे राज्य अस्तित्व में आता है, जैसे राज्य अस्तित्व में आता है, वैसे वैसे ये क्या होने लगती हैं, समाप्त होने लगती है, या पर इन पर क्या लगता है, प्रतिबंध, क्योंकि ये एज ए क्या होती हैं, जंगल के कानून की तरह। जैसे एक हंसना, लेकिन कहीं भी हंसना जरूरी नहीं है भाई, रोना, कहीं क्यों रो रहे हो, आप श्वास ले रहे हो ठीक है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के, इस समय स्वास्थ्य के भी नियम बना दिए गए, यानी कि जैसे आत्महत्या बोले अपन, ठीक है, तो ये आपका एक अधिकार हो सकता है, था कभी, लेकिन आज ये क्या है, कानूनी, कि अगर आपने आत्महत्या की कोशिश की तो आपको क्या होगी, सजा। और देखिए, विश्व का एकमात्र ऐसा अपराध जिसे करने से अगर आप चूक जाएं तो आपको क्या होगी, सजा, और यदि आप इसे कर दिया तो आपको कोई सजा नहीं होगी भाई। आत्महत्या होने के बाद में जब हम बैक टू पवेलियन, उसके बाद में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की स्थिति, देखिए आपका पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, और उसके बाद में आते हैं आपकी दूसरी स्वतंत्रता के ऊपर जिसका नाम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता को जिसने जस्टिफाई किया था उस व्यक्ति का नाम था रूसो, जीन जैक रूसो, जिसने कहा था व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है मगर सर्वत्र बेड़ियों में क्या है, जकड़ा हुआ। मैंने अभी आपसे कहा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद में आपकी प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है वो छिनने लगती है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ भार डाल दिए जाते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, जिसके कारण आप अपने उद्गारों को अपने तरीके से पेश नहीं कर सकते, उसमें फिर आपको कुछ
उसको बोल सकते हैं अपन कि आपको कुछ मिक्सअप उसमें करना ज़रूरी हो जाता है, यानी कि वो चीज़ें आपकी केवल उसको क्या अपन कह सकते हैं कि एक तो आपकी दो प्रकार की जैसे शिक्षाएं होती हैं, तो उसमें आपका वो कौन सा पार्ट होता है, बाह्य शिक्षा का वो पार्ट हो जाता है जो आपको जनरेट खुद करना पड़ता है, यानी कि आपको एक दिखावा करना पड़ता है, कहते हैं ना औपचारिक चीज़ों के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ से अपन को दूसरा लेना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या है, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, आपके खुद के लिए। तो देखिए पहनावा, भाषा, ठीक है, आपका जहाँ आप किस प्रकार से आप रहना पसंद करते हैं, रहना सहना, या हम बोल सकते हैं इसे फैशन, फैशन बोल सकते हैं, ठीक है, आपका पहनावा, आपकी भाषा, आपका फैशन, उसके बाद में आपका धर्म, पसंद, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ले सकते हैं इसको। तो देखिए ये ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, जिनके लिए आपको क्या छोड़ा जाता है, आपको स्वतंत्रता है। परंतु जब ये जो स्वतंत्रता है ये समाज को, अगर समाज को क्या करे, दूषित, अगर दूषित करती है, तो ऐसी स्थिति पर इनमें युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या हैं, आवश्यक है। तो देखिए बात वही है, स्वतंत्रता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, लेकिन जब तक वो सकारात्मक नहीं हो जाती वो पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं होती। पहले हमने कहा कुछ भी कीजिए आप कुछ भी पहनिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी पहनेंगे, थोड़ा बहुत क्या होता है अपने जो नैतिकताएं होती है उनको ध्यान में भी रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसकी स्थिति भी होनी चाहिए। इसके बाद में आपका आता है नागरिक स्वतंत्रता। दो स्वतंत्रताएं आपको समझ में आ गई, व्यक्तिगत और प्राकृतिक। उसके बाद में देखिए नागरिक स्वतंत्रता, इसमें देखिए भाई नागरिक आ रहा, यानी कि वो स्वतंत्रता जो आपको आपको नागरिक होने के कारण मिली। देखिए आप भारत के नागरिक हैं, इसीलिए भारत में आप क्या कर सकते हैं, घूमना फिरना, ठीक है, कहीं भी अपना मकान बनाना, ऐसा थोड़ी ना आप नागरिक भारत के और आप जाके अमेरिका के अंदर जाके मकान बना रहे हो अपना, तो इस तरह की स्थिति। उसके बाद में यानी कि ये कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति को जनरेट करने का भी अधिकार हो सकता है। इसके बाद में देखिए आपका घूमना फिरना, आपका मकान बनाना इसके अंदर आ जाता है, और इसके बाद में शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, यानी कि आपको इन सभी चीज़ों के लिए एक सूचना दी जानी चाहिए किसको, राज्य को, कि भाई मैं यहाँ पर क्या हूँ, मौजूद हूँ, और मौजूद होने का मतलब क्या है, आपने कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए वहाँ की क्या ले रखी है, नागरिकता ले रखी है, तो आप तभी वहाँ की इस प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्या कर सके, अनुसरण कर सकते हैं। और ये जो स्वतंत्रताएँ हैं ये समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा क्या होनी चाहिए, संरक्षित। देखिए किसी भी व्यक्ति को कहीं मकान बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो राज्य उसको संरक्षित तो कर देगा, लेकिन यदि वहां के लोग, जो वहां के रहने वाले लोग हैं,
वो यदि उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहाँ से उसको राज्य द्वारा भी उसको वहाँ से क्या किया जाता है, थोड़ा सा मैनेज किया जाता है कि आप यहाँ पर इस तरह से नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में देखिए संरक्षित होना, और देखिए इनका न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, इनकी सुरक्षा भी की जाती है। देखिए आप कहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, राज्य ने आपको संरक्षित कर दिया, लेकिन वहां के लोग आपको वहां पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका यदि वो स्वीकार अस्वीकृति का जो तरीका है वो गलत है या उनके पास में कोई वास्तविक मोटो नहीं है, तो उस समय न्यायालय आपको वहाँ पर रहने के लिए क्या देगा, सुरक्षा देगा। आप इसको बात को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये हुई आपकी नागरिक स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रताएं सभी एक जैसी हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र है उसके आधार पर उनको क्या कर दिया गया है, अलग अलग। इसके बाद में देखिए आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक यानी कि आपकी किसी क्षेत्र की राज्य या शासन में भागीदारी दिखाने की। स्वतंत्रता इसको क्या बोलेंगे अपन, राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें आप देख सकते हैं वोट डालना, चुनाव लड़ना, लड़वाना, ठीक है, आप किसी जगह के राजनीतिक अधिकारों का पालन करते हैं तभी आप किसी का क्या कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। उसके बाद में नाटो जैसे बटन को दबाना, ये सारे आपके क्या हैं, और सरकार को बनाना और गिराना, ये सभी आपके कौन से कर्तव्य हो गए, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता पैसे वाली, क्या आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे वाली होती है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। अपन जब भी आर्थिक की बात आती है तो अपन सीधे पैसे के ऊपर चले जाते हैं। अब चलो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप चले जाते हैं, मैं कहता हूं कि मैं चला जाता हूं, तो उस तरह की स्थिति को हमको समझना है यहां पर। नो डिस्टर्बेंस, साइलेंट एंड एरोप्लेन, ठीक है, अब नहीं आएगा कोई भी। देखिए आर्थिक तो हम बात कर रहे थे कि कहीं कोई पैसे से संबंधित बात आती है, लेकिन वो वहां तक सीमित नहीं रहती है। देखिए आपका जीवन है और उसे जीने के लिए आपके किसकी जरूरत होती है, पैसे की, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो पैसा ये यहीं तक सीमित नहीं होता, लेकिन उस पैसे की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि आपको अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पैसे की, और इस पैसे से जब आप अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं तो उसके बाद में आप क्या मेंटेन करते हैं, एक स्टेटस, जहां से आपका क्या बनता है, मान सम्मान। यानी कि मेन बात इसकी है, यहां पर पैसे से संबंधित कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, मान सम्मान की, यानी कि गुडविल की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसी स्थिति जो क्या करती है, अब देखिए वो सारी स्थितियां जो कहीं ना कहीं आपको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या देती हैं, सबलता प्रदान करती हैं, वो सभी आपके आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे आपका व्यवसाय चुनना, ठीक है, कि आपको क्या व्यवसाय करना है, ठीक है, और उसके बाद में
अवकाश प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि काम कर रहे हैं तो उसमें आराम की भी जरूरत है, और उद्योगों में भागीदारी की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि रिफाइनरी का काम केवल धीरूभाई अंबानी ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई क्या नहीं है। तो ये भी हमारे पास स्वतंत्रता है, और उसके बाद में वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि असक्त और निषक्त जनों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी आजीविका और उनके स्टेटस को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा कदम। ये सभी चीज कहीं ना कहीं किस में आ जाते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ये आपकी क्या है, सारी वो स्वतंत्रताएं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं या सबलता प्रदान करते हैं। इसके बाद में आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहां देखिए, यहां क्या है, अंतःकरण, यानी कि आपके मानने के अनुसार, किसी फोर्स से नहीं, अंतःकरण यानी कि बिना दबाव किसी भी धर्म को मानना, जानना, निभाना, ठीक है, भाषा कोई भी हो, यानी कि उसकी कोई भी भाषा में आप उसका क्या करें, प्रचार प्रसार करें, और उसके बाद में उस धर्म से अपने जीवन में आचरण में लाना, में लाना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी निजी क्या है, स्थिति है, जिसमें कोई भी आपके हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इस तरह की स्थितियां बनाई जाती है। ये धार्मिक स्वतंत्रता हुई आपकी। इसके बाद में आपकी होती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक, ये क्या है नैतिक स्वतंत्रता, देखिए नैतिकता का मतलब दया, करुणा, क्षमा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो नैतिक मूल्य होते हैं, और वो सारे के सारे जब मौजूद होते हैं तो किसी चीज़ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नैतिक चीज़ कहते हैं उसको। यानी कि आप किसी स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, और उस स्वतंत्रता में आपने दया, करुणा, क्षमा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनमें से किसी का भी क्या नहीं किया है, अनुसरण नहीं किया है, तो एक्चुअल में वो आपके लिए स्वतंत्रता नहीं होगी। वो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध कर रहे हो। यानी कि जब तक कोई भी स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता का रूप ना ले लेती हो, वो वास्तव में स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। तो इसमें हमको इतना ही लिखना है कि स्वतंत्रता में दया, करुणा, क्षमा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे तत्व यदि मौजूद होंगे तो वो कौन सी स्वतंत्रता कहलाएगी, नैतिक स्वतंत्रता। इसके बाद में आता है आपका सामाजिक स्वतंत्रता। सबसे मेन टॉपिक भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, सामाजिक स्वतंत्रता। देखिए भेदभाव, ऊंच नीच, ठीक है, काला गोरा, अछूत, ये कुछ स्थितियां हैं जो हमारे सामने क्या है, सामाजिक स्थिति में देखी जाती है। तो यदि आपके समाज में किसी भी मानव के साथ या किसी भी जीव मात्र के साथ ना तो कोई भेदभाव रखा जाता है, ना कोई ऊंच नीच रखी जाती है, ना काले गोरे का कोई भेद है, ना कि अछूतता का भेद है, तो उस समाज के अंदर आपने सामाजिक स्वतंत्रता
प्राप्त की हुई है, और यदि ये सब मौजूद हैं तो उस समाज के अंदर सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब ये राष्ट्र के लिए होती है, भाई ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता होती है व्यक्तिगत नहीं होती है। देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है संप्रभुता, और ये शब्द है जिसका जनक माना जाता है जीन बोंदा को, या जियां बोंदा इसका नाम मिलता है। संप्रभुता सॉवरेंटी से शुरू हुआ था, और इसका मतलब होता है कि जब कोई देश अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होगा तो वो क्या कहलाएगा, संप्रभु कहलाएगा। और यदि वो संप्रभु है तो वो राष्ट्रीय क्या है, स्वतंत्रता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आप 1947 से पहले की बात करें तो उस समय भारत को कोई निर्णय लेना है तो किससे पूछ के लेते थे, अंग्रेजों से। अंग्रेज कहाँ के थे, बाहर वाले। तो क्या आप आपकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के अंदर स्वतंत्र है, नहीं है। तो यहां हम संप्रभु नहीं थे, यानी कि उस समय हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद में हम क्या है, संप्रभु। आज हम अंग्रेजों से नहीं पूछते हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हुए आपके स्वतंत्रता के प्रकार। ठीक है, इसके बाद में अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति की आवश्यक शर्तें। देखिए एक और है आपके पास में, संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर या देश के अंदर नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता। और इस प्रकार की स्वतंत्रता को कोई भी छीन नहीं सकता। जैसे आपके मूल अधिकारों में कौन सा, अनुच्छेद 12 से 35 में शुरू होते हैं, लेकिन 12, 13, 14 और 15, ठीक है, ये जो है 16, ये पहला जो आपका अधिकार था स्वतंत्रता का, वो आपका पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता के प्रकार समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।